हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो एंड कैसा काय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नमन गुप्ता फ्रॉम कार सोनेक्स मिनिस्टर रोड हैदराबाद। एंड दोस्तों टुडे वी आर बैक अगेन एक ऐसे वीडियो में जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि द मोस्ट ब्यूटीफुल द मोस्ट हाई एंड अमेजिंग ऑडियो अपग्रेड लेकिन द वन विच इज़ द लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे जितने वीडियोस देखते हो, जितने बाहर के भी वीडियोस देखते होंगे, यू विल फाइंड सो मेनी कंपोनेंट्स इन इट कि भाई ये सीट के नीचे इतने सारे ये प्रोडक्ट्स, ये सीट के नीचे इतने सारे ये डिक्की में डबल वूफर। भाई साहब ये जो आज का वीडियो है ये सब हटा देगा। आई एम गोइंग टू गिव यू सच अ सिंपल सोल्यूशन फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ दिस फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो हमारे पास आई है फ्रॉम औरंगाबाद। आप सोच रहे होंगे कि भाई फॉर्च्यूनर लेजेंडर गाड़ी है, बाई डिफॉल्ट नमन भाई इसमें JBL के स्पीकर्स आते हैं, वाई इज़ देर अ नीड फॉर यू टू अपग्रेड इट। भाई आई हैव ऑलवेज टोल्ड इट इन ऑल माई वीडियोज, ये जो कंपनीज होती है JBL, बोस, हारमन, दे डू जॉब वर्क फॉर दीज ब्रांड्स लाइक टोयोटा, हॉन्डाई एंड ऑल। मतलब मेरी एक फैक्ट्री है जहाँ पर मेरा प्रोडक्शन XYZ है लेकिन मेरा कैपेसिटी और ज़्यादा है, तो आई विल टाई अप विद दैट कंपनी, मैं प्रोड्यूस करके दूंगा मेरी बैजिंग करने के लिए। लेकिन इफ़ एट ऑल यू सी द क्वालिटी ऑफ दैट JBL स्पीकर जो इसमें बाई डिफॉल्ट आता है, भाई साहब You are not going to like it at all। जी हाँ दोस्तों, this is the same JBL speaker जो इस Fortuner Legender में by default लग के आता है। आप मेरे को बताइए कहाँ पर इसमें JBL का बैज लगा हुआ है? इधर this is on a plastic को not all, मतलब speaker पे कहीं आपको बैजिंग नहीं रहेगी JBL की, because this is manufactured in the manufacturing unit of JBL। लेकिन जो JBL की capacity या out, you know, after market में जो JBL होता है उसके आस पास भी नहीं आता है। So enough of now telling what is there in the car। अब हम बात करेंगे व्हाट वी आर अपग्रेडिंग इट टू। दोस्तों इतना अमेजिंग सा अपग्रेड दूंगा बिना कोई ज़्यादा हैसल के कि आप लोग को देखने में मज़ा आ जाएगा। हम इसमें चार डोर में चार देने वाले हैं दी ऑडिसन वोचे के कंपोनेंट्स। दोस्तों ये हमारा वोचे सीरीज़ का कंपोनेंट है जहाँ पर एक स्पीकर रहेगा, एक ट्वीटर रहेगा, एक क्रॉसओवर रहेगा। लेकिन ये जो हमारा क्रॉसओवर है हम इसे पूरी तरीके से ओमिट कर देंगे, मतलब बिना क्रॉसओवर के खाली स्पीकर और ट्वीटर फिट होने वाला है। एंड आपको पता है द रीज़न फॉर दैट, हम इसमें करने वाले हमारा एक्टिव सेटअप, मतलब चार डोर में चार ये कंपोनेंट्स लगेंगे तो टोटली फोर स्पीकर्स, फोर ट्वीटर्स, ये आठों स्पीकर हमारे कनेक्ट होंगे थ्रू दिस अमेजिंग 8-चैनल एम्पलीफायर। दोस्तों ये जो हमारा एम्पलीफायर है इट इज़ अ 8-चैनल पावर्ड एम्पलीफायर जिसके अंदर बिल्ट इन 9-चैनल DSP है। मतलब हमें क्रॉसओवर की ज़रूरत ही नहीं है, चारों स्पीकर, चारों ट्वीटर पूरे ये एम्प से रन होंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, हम उसे ट्यून भी ऐसे कर सकते हैं कि कौन से ट्वीटर को कितनी क्लैरिटी चाहिए, कौन से स्पीकर से कितना मिड बेस चाहिए। तो 8-चैनल एम्प समझ में आ गया आप लोग को। 9-चैनल एम्पलीफायर DSP का इसमें रीज़न ये है कि 8-चैनल DSP के चले जाएंगे टू योर 8 स्पीकर्स। The ninth channel we are going to connect it to this amazing subwoofer जो इसके बूट में फिट होने वाला है। दोस्तों this is the 400 watt RMS subwoofer जो हम इसके डिक्की में डालेंगे जिसके अंदर बिल्ट इन उसी का एक एम्पलीफायर भी है। तो आप देख सकते हो दिस वूफर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ओवर हियर, कितना स्लीक सा सबवूफर है। नो डाउट हैवी तो बहुत है भाई साहब, लेकिन इट इज़ वेरी 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 स्लीक, इट इज़ नॉट इवन माई पाम साइज। तो दोस्तों ये जो ऐसा स्लीक सबवूफर आपको हमारे इधर डिक्की में बैठेगा, जो इसका इफेक्ट, जो इसका एक पंच आएगा और जिस तरीके से हम इसे ओवरऑल ट्यून करेंगे फॉर द बेस्ट रिजल्ट, इट इज़ वर्थ वॉचिंग इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस, जितनी गाड़ी के अंदर हम वायरिंग यूज़ कर रहे हैं, एक छोटा स्पीकर वायर से लेकर द बेस्ट वूफर वायर, वी आर यूजिंग द कनेक्शन वायरिंग किट दैट इज़ अ मेड इन इटली वायरिंग किट। क्योंकि आज कितना भी अच्छा ऑडियो अपग्रेड हो दोस्तों, अगर वायरिंग अच्छी नहीं है द इफेक्ट इज़ रियली वेरी बैड। तो हमारा ये जो अभी पूरा सेटअप होने वाला है इट इज़ गोइंग टू साउंड अमेजिंग। नेक्स्ट सेगमेंट में आपको बताऊंगा किस तरीके से उसे ट्यून अप करने वाले हैं एंड फाइनली सुनेंगे हम एक गाना एंड यू नो एक फील लेंगे गाड़ी के अंदर जिस तरीके से ये ऑडियो प्ले होगा। स्टे ट्यून्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो इंस्टॉलेशन है वो तो पूरा हो चुका है कंप्लीट, लेकिन मैं हर बार वीडियो में बोलता रहता हूँ
product installation is just 60% of the actual job. The main thing in any audio upgrade is the tuning, जिस तरीके से वो होती है. दोस्तों हम आज जो ट्यूनिंग करते हैं, आप यकीन मानिए हमारी मेन जीत वही है. बिकॉज कस्टमर का एक रिक्वायरमेंट समझना, क्या टाइप का वो जर्नर के गाने प्ले करता है, क्या टाइप की वॉल्यूम पे सुनता है, एंड वैसे एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो सब दिमाग में बिठाते हुए फिर बाद में उससे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्यून अप करना इज द बिगेस्ट टास्क इन एनी ऑफ द ऑडियो अपग्रेड्स. दोस्तों अगर आप इस गाड़ी के अंदर देखोगे, हमने इतना हैसल फ्री सेटअप दिया है. सिर्फ कंपोनेंट्स जो पूरे स्टॉक प्रोविजंस में लग चुके हैं, आप देख सकते हो कितना नीट इसका फिटिंग हुआ है. द ट्विटर इज बीन इंस्टॉल्ड इन अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ क्लासी वे ओवर हियर. इसके अलावा ये सीट के नीचे खाली एक ही डिवाइस है, ये लैपटॉप के आधे साइज का, जो है 8 चैनल का प्रोसेसर विद 9 चैनल का DSP. एंड दोस्तों डिक्की में इतना पतला वूफर जो मैंने आपको पहले बताया, मतलब कोई वो लंबी चौड़ी वायरिंग कार्टून पीटी कोई सिस्टम ही नहीं है. बट जिस तरीके से ट्यून अप हम करने वाले, जिस तरीके से रिफाइन करने वाले ऑडियो, इट इज़ गोइंग टू मेक दिस साउंड सिस्टम स्टैंड अनदर लेवल. दोस्तों अगर आप क्विकली देखोगे, आई विल एक्सप्लेन यू द टोटल सेटअप हमने इस गाड़ी में दिया है. ये सामने दो हमारे ट्विटर्स हो गए, ये हमारे सामने के दो स्पीकर्स, ये हमारे पीछे के दो ट्विटर्स, पीछे के दो स्पीकर्स एंड ये डिक्की का वूफर. दोस्तों ये जो आपको सेटअप अभी दिखाई दे रहा है, इट इज़ द सेम सेटअप जो हमने हमारे गाड़ी में डाला है. इट इज़ गोइंग टू बी अ राइट हैंड ड्राइव ओवर हियर, ड्राइवर ड्रिवन, तो लेट अस जस्ट शिफ्ट टू राइट हैंड साइड ओवर हियर. इसके अलावा अगर आप देखोगे, मैं जब यहाँ पर एक ट्विटर सेलेक्ट करता हूँ तो इट इज़ सेंडिंग मी ओनली द हाई पास ऑडियो. मतलब ये जो स्टार्टिंग का ऑडियो का जो सेगमेंट है, जो एक ट्विटर को पास भी अगर होता है तो ज़रूरत ही नहीं होती है, तो ये पूरा कट ऑफ हो जाएगा. लाइकवेज अगर आप ये स्पीकर हम जब सेलेक्ट करते हैं, अगर आप देखोगे तो दिस इज़ दी ओनली एरिया जो एक स्पीकर को जानी चाहिए. इससे पहले वूफर का बेस होता है, इसके बाद ट्विटर का ट्रेबल होता है, तो इट डजेंट रिक्वायर दो यू नो फ्रीक्वेंसीज एट ऑल. तो दिस इज़ द ओनली फ्रीक्वेंसी विच इट इज़ रिक्वायर्ड. वही आप वूफर सेलेक्ट करोगे तो देखोगे दैट इसको जो वोकल्स और जो ट्रेबल है वो पूरा माइनस है, खाली बेस जा रहा है. इन शॉर्ट हमारा ये प्रॉपर रिफाइनमेंट ऑफ ऑडियो होने के बाद ट्विटर सिर्फ ट्रेबल प्ले करेगा, स्पीकर सिर्फ मिड बेस प्ले करेगा एंड वूफर सिर्फ बेस. जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा गाड़ी में, भाई साहब ज़ोरदार होता है. तो गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स मोर, लेट मी जस्ट फिनिश इट ऑफ विद दिस ट्यूनिंग एंड आई विल गेट बैक टू यू सून एंड एक गाना प्ले करके सुनेंगे किस तरीके से ऑडियो आ रहा है. एंड हाँ, बाद में कस्टमर से भी जानेंगे उनका एक टेस्टिमोनियल. स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स एंड डू नॉट डिस्टर्ब. भाई आपको क्या लगता है कि नमन भाई जब ऑडियो वगैरह ट्यूनिंग करते हो तो ज़बरदस्त गाने वगैरह बैठ के सुनते हैं एसी में? भाई एसी में बैठ के सुनता तो हूँ बट गाने नहीं. ऑडियो ट्यूनिंग इज ऑलवेज डन ऑन अ डिस्ट्रैक्शन. अभी ये जैसा एक डिस्ट्रैक्शन है, अगर आप सुनोगे इट इज़ अ वेरी इरिटेटिंग साउंड बेसिकली जो कंटिन्यूस प्ले होती है. एंड आप इमेजिन करो इस टाइप के डिस्ट्रैक्शन मोर देन 20-25 मिनट एक हाई वॉल्यूम पर सुनना. भाई हर ऑडियो अपग्रेड के बाद एक सैराडॉन लेना ही पड़ता है और हर बार कस्टमर के नाम पे लेता हूँ, लेकिन क्या करूँ, पैशन है, मज़ा है उसी का, क्योंकि बाद में जो रिजल्ट आता है, जो कस्टमर की खुशी होती है, भाई पूरा सरदर्द एक्चुअली गायब उसी में हो जाता है. तो लेट अस नाउ क्विकली फ्रेंड्स प्ले अ ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड मेक यू गाइज लिसन टू द अमेजिंग ऑडियो अपग्रेड जो हमने इस फॉर्च्यूनर लेजेंडर में किया है. प्याला
साउंड बट टाइम तो रिकॉर्ड बड़ा भी, यकीन मानिए इस टाइप का अगर ऑडियो रहा तो भाई मैं तो घंटों बैठ जाऊं गाड़ी के अंदर और इसी टाइप का सब ऑडियो सुनते रहूं। मतलब जिस तरीके का एक बैलेंस्ड वोकल्स, एक बैलेंस्ड बेस जो गाड़ी में आ रहा है, जिस तरीके से एक जो रन हो रही है म्यूजिक व्हेन द नोट्स आर बीइंग प्लेड, ट्रेबल, मिड बेस, बेस, भाई साहब मज़ा नेक्स्ट लेवल आ रहा है। मतलब अब आप कुछ भी बोलो, मैं तो गाड़ी में बैठकर और एक 15 मिनट गाने सुनने वाला हूँ और उसके बाद हम जाकर रिकॉर्ड करेंगे कस्टमर का टेस्टिमोनियल। तो भाई आप रिकॉर्ड करो मत करो मुझे मतलब नहीं है, मेरी तो एक लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट है अभी एंड मैं अभी एज इट इज ये गाने सुनने वाला हूँ। दोस्तों गाने तो बहुत सुन लिया हूँ मैं जब से अभी, बट देन डॉक्टर साहब को लेट हो रहा था, ही हैड टू गो बैक टू औरंगाबाद। तो हियर वी आर विद हिम, एक टेस्टिमोनियल लेंगे डॉक्टर साहब से एंड जानेंगे कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, वो जो एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे क्या हमने फुलफिल किया है या नहीं। यस डेफिनेटली नमन भाई, मैं बहुत खुश हूँ। मैं 700 किलोमीटर्स यहाँ आपका जो यूट्यूब पे चैनल है वो देख के मैं यहाँ पर आया था और बहुत बढ़िया काम हुआ है मेरे गाड़ी का और जो मुझे एक्सपेक्टेशन से उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे ऑडियो सिस्टम मिला है। और जो आपने बेसिक मुझे पहले समझाया कि ऑडियो सिस्टम क्या रहता है, एम्पलीफायर क्या रहता है, कंपोनेंट्स कैसे बिठाए जाते हैं और डैम्पिंग क्या रहता है, ये जो बेसिक आपने मुझे बताया वो सच में मुझे पहली बार मैंने कहीं पर भी नहीं देखा था, ये सिर्फ आपकी यूट्यूब चैनल में देखा था। और जो एक्सपेक्टेशंस थे मुझे कि जो काम होने वाला है उससे बहुत बेहतरीन काम मुझे यहाँ पर मिला मेरे। थैंक यू डॉक्टर साहब, इट वाज अ ग्रेट ऑनर टू बी। मतलब आप उतनी दूर से आ रहे हो ना, आप जब आए थे हम लोग को बस ऐसा देखकर, ऐसा गाड़ी आपको देखकर जो खुशी हाँ। हुई थी। मैं जब से गाड़ी लिया हूँ पिछले 5 तारीख को, 5 अगस्त को, तब से आने का था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तो ये सैटरडे संडे मुझे टाइम मिला और मैं आया हूँ हैदराबाद सिर्फ आपसे मिलने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और जो इफ़ेक्ट्स मुझे मिले हैं, एक्चुअली म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, मैं घर पे भी बहुत म्यूज़िक सुनता हूँ वगैरह, या तो मुझे उसके बारे में थोड़े जानकारी भी है, कंपोनेंट्स क्या रहते हैं वगैरह। मेरे घर पे भी अच्छा एम्पलीफायर है मरांस का वगैरह और जो मुझे सिस्टम चाहिए था वो मुझे अच्छा मिला यहाँ और बेस्ट प्राइस में मिला। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू ओवर हियर। थैंक यू सर। एंड ऑलवेज फ्रेंड्स, जैसा मैं बोलता रहता हूँ, ऑडियो अपग्रेड एक चीज़ है, उसके अलावा ट्यूनिंग इट इज़ अनदर थिंग ऑल टुगेदर। एंड आई थिंक सर का जो रिक्वायरमेंट था, उनका जो जनर ऑफ सॉन्ग्स है जो वो प्ले करते हैं उसके हिसाब से ट्यून अप करना वो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हैवी बेस लवर हो तो वी कैन ट्यून इट अप दैट वे ऑल्सो, अगर आप एक हाई पिच वोकल्स लिसनर हो तो वो भी कर सकते हैं, या बैलेंस चाहिए तो वो भी है। तो दोस्तों अगर पसंद आया हो ये अपग्रेड तो पता है आप लोग को क्या करना है, नीचे लाइक बटन को दबाइए, कमेंट्स में बताइए कैसा लगा ये अपग्रेड। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बिकॉज द मोर यू गाइस सब्सक्राइब द मोर विल आई गेट मोटिवेटेड टू शो यू अमेजिंग एक्सेसरीज एवरी डे। सर थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।